हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं आज आपके लिए लेकर के आई हूँ एकदम नया कॉन्सेप्ट जो मैं सिखाने वाली हूँ अपने चैनल के थ्रू। मैं आपको आज सिखाने वाली हूँ ब्लॉक प्रिंटिंग। जैसे कि गाइस आप देख रहे हैं, मैंने पूरा सेटअप किया हुआ है ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए। गाइस मैं आज यूज़ करने वाली हूँ ये कैमल के कुछ फैब्रिक कलर। आप भी वैसे बहुत सारी कंपनीज़ के अवेलेबल हैं मार्केट में, बट मैं कैमल का यूज़ कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। तो मैं कोई डार्क कलर अप्लाई करूँगी, कैमल का ये वाला शेड मैंने लिया है। तो गाइज़ ये 463 नंबर है और ये अल्ट्रा मरीन ब्लू है और ये कुछ ब्लॉक्स हैं, मैं देखती हूँ। और ये टेबल मैट मैंने लिया है गाइज़, जिसको मैं अच्छे से अट्रैक्टिव बनाने वाली हूँ लाइक दिस। इसमें से इसको अगर मैं सोच रही हूँ, इसके चारों तरफ ये वाला ही इस पे सेट आएगा, मैं इस तरीके से इसको करती हूँ। तो और इस पे अप्लाई करने के लिए हमें रिक्वायर होगा एक फोम का टुकड़ा और ये कलर। तो मैं बहुत इजी है गाइस, आप भी इसे कर सकते हैं। और सबसे पहले इसे मिक्सिंग अच्छे से करिएगा। जब ये कलर रखे रहते हैं तो मिक्स करेंगे तो अच्छे से मिक्स हो जाएंगे लाइक दिस। और मिक्स होने के बाद में ये इस पर अप्लाई करिएगा, ये आप जो आपकी फॉर्म है एकदम एब्जॉर्ब कर ले लाइक दिस। सी ले, ये दो तरीके से किया जा सकता है। फॉर्म का बड़ा पीस लेके कलर कर लीजिए, बट उसमें कलर ज़्यादा यूज़ होता है। तो मैंने छोटा सा पीस लेके सी यहाँ पे इसके जो डिज़ाइन है इस पर अप्लाई करा लाइक दिस। आपको भी अच्छे से ऐसे अप्लाई करना है और इसको वापस रख देना है सी, और इसको सेट करना है गाइस सी। तो कितना अच्छा ये प्रिंट उभर करके आया है। प्रिंट जब भी आप ब्लॉक प्रिंट कर रहे हो तो ध्यान रहे आपको एक्स्ट्रा फैब्रिक की लेयरिंग करनी है लाइक दिस। देखिए मैंने फैब्रिक के नीचे इतना मोटा रखा है जिससे लेयरिंग हो रही है और अच्छे से। ये ज़रूरी है आप 8-10 जो फैब्रिक होते हैं ना उन्हें फोल्ड करके इस तरीके से अपने सरफेस के अकॉर्डिंग रख लो। जैसे मुझे कम सरफेस की नीड थी तो मैंने इसको इस तरीके से यूज़ करा। अब इसमें फिर से हमें वही करना है, पहले हमें अप्लाई करना है ब्रश से इसके जब रिक्वायर होगी, और फिर इसके सरफेस पे हमें लाइक देखिए कितना इजी होता है ब्लॉक प्रिंटिंग करना। ऐसे इसको रख देंगे और फिर इसको यहाँ से इसका डायरेक्शन देख करके आप अपने इस पर थोड़ा सा एक बार दो बार डैप करेंगे 1 2 3 बस इसको, और ये आपका डिज़ाइन ऐसे क्रिएट होता चला जाएगा। तो कलर को इवन रखने के लिए कि आप इस पर एक बार ज़रूर अपने फोम के टुकड़े को प्रेस कर दीजिए जैसे मैंने आपको सी सी। कितना प्यारा ये डिज़ाइन क्रिएट हो रहा है, ऐसे लाइट एंड डार्क आप चाहे तो शेड कर सकते हैं सी। इस तरीके से बनाते चले जाएं। अब इसका कॉर्नर अगर हमें तैयार करना है तो कॉर्नर के लिए बहुत ही इजी ट्रिक मैं आपको बताना चाहूँगी। आप ये वेस्ट पेपर यूज़ करेंगे लाइक दिस ये कॉर्नर बनाने के लिए। ये डिज़ाइन यहाँ पे कॉर्नर से क्रिएट होगा सी, यहाँ इस तरीके से इसे प्लेस कर देंगे कॉर्नर से, और इस पे यहाँ कलर दोबारा से इसको डार्क करेंगे, और इस पे जो कॉर्नर है सी सी दिस गाइस, ये देखिए ये इस तरीके से कॉर्नर यहाँ पर बन जाएगा। और फिर से आपको अप्लाई करना है ये सारे कॉर्नर्स के लिए, आपको यही वाला मेथड अप्लाई करना है। आप कोई भी कंपनी के मटेरियल को कर सकते हैं कलर मटेरियल, और ये कॉर्नर यहाँ पे बनेगा इसके लिए। ये कॉर्नर के लिए
तो गाइस देख सकते हैं आप कितना प्यारा सुंदर सा इस ब्लॉक की हेल्प से मैंने क्रिएट करा है, और मैं इसके मिड में भी कुछ रखना चाहूँगी। गाइस जैसे कि देख सकते हैं मुझे, मैं जो कैमल का जो फैब्रिक एक्लेयर जो कलर हैं, मैं इनसे सेटिस्फाइड हूँ और मुझे बहुत अच्छे लगे। मैंने फेविक्रिल के भी यूज़ किए हैं और कैमल के भी यूज़ कर रही हूँ, बट मुझे ये वाले भी अच्छे लग रहे हैं। ये इनसे वर्क करना बहुत अच्छा इजी है मेरे साथ में। इसके कॉर्नर पे मैं यहाँ ऐसे ये वाला देना चाहूँगी, यहाँ ये देखिए, यहाँ कितना ये इस पर ये वाला मैं कर रही हूँ। तो ये देखिए इस तरीके से ये, और इसको मैं पूरा और भर देती हूँ ब्लॉक प्रिंटिंग, जिससे दिखे मैं अपनी क्रिएटिविटी दिखाना चाह रही हूँ इस पर। सी इस तरीके से आप ब्लॉक प्रिंटिंग के यूज़ से अपना कलेक्शन रेडी कर सकते हैं। बहुत सारा आप कुछ ना कुछ नया कर सकते हैं। तो देखा कितना सुंदर सा ये हमारा ब्लॉक प्रिंटिंग से हमने टेबल मैट तैयार कर दिया है। इस तरीके से आप बहुत कुछ रेडी कर सकते हैं, लाइक जैसे आप देख रहे हो स्क्रीन पे, कुर्ता रेडी कर सकते हैं, कलेक्शन रेडी कर सकते हैं। तो होप यू इन्जॉय टुडे सेशन। नेक्स्ट में मैं आपको कुछ ना कुछ ब्लॉक प्रिंटिंग से नया बनाना ज़रूर बताऊँगी, और आप इन्जॉय करेंगे। नेक्स्ट वाली क्लास के लिए आप तैयार रहिएगा, और बिंदास रहिए।